हेलो एवरीवन, मैं सोनम गुलाटी फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी दत्त पे। सो कैसे हैं आप सब? सो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक नए घर के साथ, एक नए विला के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए नई नई प्रॉपर्टीज़ लेकर आते हैं। आज फिर से मैं हाजिर हुई हूँ एक नई प्रॉपर्टी के साथ। सो दोस्तों, मैं आप सबको सबसे पहले इस घर के डायमेंशंस के बारे में एंड साइज़ के बारे में बताना चाहूँगी। अगर मैं इस घर के प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो ये 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट एरिया है, एंड अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो 30x60 की डायमेंशंस हैं। सो दोस्तों, आप सबको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बताना भूल गई, ये जो आप हाउस देख रहे हैं ये ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। बट निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम आप सबका इतना ध्यान रखते हैं, हमने आपके लिए सेम एज ए टीज़ आप एलिवेशंस देख रहे हैं एंड अंदर जो भी डिज़ाइन होगा एज ए टीज़ आपको सेकंड विला में मिलेगा। सेकंड विला की पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको इजीली वो 10-15 डेज में मिल जाएगा। सो गाइज, अपना फ़ोन उठाएं एंड कॉल कीजिए इससे पहले कि वो भी बिक जाए। दोस्तों, मैं आपको इस विला की लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगी। ये लोकेशन है सेक्टर 125, न्यू सनी एनक्लेव, मोहाली, नियर चंडीगढ़। सो गाइज, अब मैं आपको इस विला की एलिवेशंस के बारे में बताना चाहूंगी। सो आप देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुल सा एलिवेशन है, लाइटिंग कितनी प्यारी इस घर में हुई हुई है, प्लस इसमें वुडन वर्क एंड मिरर वर्क के साथ बहुत अच्छा काम किया हुआ, कलर कॉम्बिनेशन इट्स वेरी गुड। अगर मैं इस विला में सबसे प्यारी सी चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है, यहाँ पे आप ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं जो आपके घर की शान बढ़ा सकते हैं। एंड आप देख ही पा रहे हैं इतना ब्यूटीफुल सा व्यू, डे में ही इतना अच्छा आ रहा है तो आप सोच सकते हैं रात को कितना अच्छा आएगा। यहाँ इतने अच्छे अच्छे से लैम्प भी, आपको लाइटिंग कितनी अच्छी दी हुई है लैम्प्स की। सो गाइज, अगर मैं पार्किंग एरिया की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कितना वाइल्ड एरिया है यहाँ पर, आपकी इजिली यहाँ पर 3 कार्स पार्क हो सकती है। सो गाइज, अब चलते हैं घर के अंदर। वेलकम गाइस, आपके घर के अंदर भी 2 गाड़ी इजीली पार्क हो सकती हैं। एंड अगर मुझे तो ये डिजाइन बहुत प्यारा लग रहा है घर का, एंड अगर मैं डिजाइन की बात करूँ, इस घर को बनाने की बात करूँ तो मिस्टर नितिन आर्य जी ने इस घर को डिजाइन किया एंड बनाया है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा, एंड आपको यहाँ 2 व्हीलर्स की पार्किंग का भी स्पेस दिया गया है। एंड वन थिंग मोर, ये कॉर्नर हाउस है। स्टार्टिंग में मैं आप सबको बताना भूल गई, आई एम सॉरी, बट ये आप यहाँ पे आपको अंदर से इसका एक्सेस मिल रहा है, आप यहाँ पे अपनी ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। एंड आपको यहाँ घर के अंदर ही 2 टैब्स भी मिल रही हैं, आप इजीली वाटर का एक्सेस आपका इजीली रहेगा, एंड आप यहाँ वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। सो दोस्तों, मेन एंट्रेंस पे ही आपको बहुत प्यारा सा वुडन टच ही लग रहा है, बट ये वुडन टच वाली टाइल्स हैं। सो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, ग्लास वर्क है, एंड आपको यहाँ पर कंसीव लाइट्स भी मिल रही है। बाहर एंट्रेंस पे भी फॉल सीलिंग है विद कंसीव लाइट। सो गाइज, बाहर का आपने एलिवेशन एंड व्यू तो देख ही लिया है। सो अब मैं घर के अंदर जाने से पहले आपको इस डोर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बहुत ही वुडन वर्क के साथ एंड बहुत ही प्यारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको वुडन का ये मेन एंट्रेंस डोर मिल रहा है। मेन डोर के साथ ही आपको एक ग्लास वर्क के साथ एक प्यारी सी मेन एंट्रेंस पे डिज़ाइन दिया गया है। सो ये आपके विला की शान को भी बढ़ा रहा है। सो गाइज, अब हम चलते हैं अपने विला के अंदर। प्लीज़ कम गाइज, वेलकम टू आर हाउस। एंड अब मैं फोर एरिया की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कितना स्पेशियस है, एंड फॉल सीलिंग के साथ आपको फोर एरिया मिल रहा है, एंड यहाँ पे डिज़ाइन बहुत प्यारा है, ग्लास एंड वुडन वर्क के साथ आपको यहाँ डिज़ाइन मिल रहा है। मेन एंट्रेंस इतने ब्यूटीफुल है तो आप सोच सकते हैं कि घर अंदर कितना ब्यूटीफुल होगा। यहाँ पर भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं या अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं शॉपीस जो आपके घर को और अट्रैक्टिव करे। सो फ्रेंड्स, इस फोर एरिया के साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 5 फिट का आपको वाइल्ड एरिया मिल रहा है, एंड आप देख पा रहे कितना ग्रैंड एंट्री के साथ आपको ये हाउस मिल रहा है। सो अब मैं सबसे पहले आपको लिविंग एरिया में लेकर चलती हूँ। प्लीज़ कम गाइज एंड सी, इतना प्यारा सा ये आपका लिविंग एरिया ही आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। एंड अगर मैं यहाँ वॉलपेपर की बात करूँ, शाइन में गोल्डन एंड
बेज कलर के साथ बहुत ब्यूटीफुल सा आपको वॉलपेपर मिल रहा है। तो वॉलपेपर तो मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें वुडन वर्क के साथ आपको बहुत प्यारी सी वॉल मिल रही है एंड सेम एज अ टीज आपको ऊपर फॉल सीलिंग भी इसी अकॉर्डिंग इन्होंने बनाई हुई है। ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लगा है और साथ में ही इस एरिया में आपको मैंने आपको बाहर दिखाया था आप प्लांट्स लगा सकते हैं, मेन एंट्रेंस पे ही आपका एरिया था। आप यहाँ अंदर भी कुछ डेकोर का सामान लगा सकते हैं। साथ में ही इस एरिया का प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए इन्होंने यहाँ पार्टीशन भी किया हुआ है कि इजीली आप अपना यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं एंड हिडन आपको पाउडर रूम भी मिल रहा है। कितना प्यारा सा है, वुडन एंड ग्लास के साथ आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा सा इन्होंने वर्क किया हुआ है एंड आप यहाँ पर भी स्पेस आपको मिल रहा है, आप यहाँ पर भी अपने अकॉर्डिंग डेकोर का सामान लगा सकते हैं लाइक प्लांट्स एंड ऑल। सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया के ये आपका डाइनिंग एरिया भी है आपको, प्लस यहाँ पर शोपीस के लिए आपको काफ़ी अच्छा सा कैबिनेट दिया हुआ है, आप इसमें कुछ भी सामान स्टोर कर सकते हैं, सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। तो दोस्तों अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ये भी बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा यूनिक भी है एंड आपको यहाँ दो ब्यूटीफुल से लैंप्स भी मिल रहे हैं, आप यहाँ पर अपना डेकोर का सामान बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस एरिया की फॉल सीलिंग की बात करूँ तो बहुत प्यारी सी विद कंसीव लाइट्स आपको फॉल सीलिंग मिल रही है एंड सामने जस्ट ही आपको एक हैंड वॉश के लिए सिंक प्लस स्टोरेज भी मिल रहा है, यहाँ पर भी आप अपना डेकोर का सामान रख सकते हैं एंड आपको यहाँ एक कैबिनेट भी मिल रहा है विद वुडन एंड ग्लास के साथ, आप यहाँ पर अपने यूटेंसिल्स भी रख सकते हैं। अब मैं आपको इस घर की किचन में लेकर आ रही हूँ, ये आपके घर की किचन है, इसमें गोल्डन कलर एंड पार्टीशन, सबसे पहले पार्टीशन की मैं बात करूँ तो इस घर में वुडन का एंड ग्लास का बहुत ज़्यादा वर्क है एंड इसमें आपको किचन में पार्टीशन मिल रहा है विद वुडन वर्क एंड स्पेशियस काफ़ी है ये किचन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेंटिलेशन, आपको यहाँ वेंटिलेशन का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, आप बाहर का व्यू भी ले सकते हैं और अपने घर का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं कि आप किचन में आपको कौन आया है या कौन नहीं आया। अब मैं इस किचन में आपको स्टोरेज की बात करूँ तो काफ़ी कैबिनेट्स दिए गए हैं, यहाँ आप ओवन माइक्रोवेव इजीली अपना रख सकते हैं एंड गोल्डन वर्क के साथ आपको मिल रहा है एंड ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ है, काफ़ी स्पेशियस भी है, आपको स्टोरेज की बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी एंड आपका फ्रिज का भी आपको स्पेस दिया गया है, आप इजीली आप अपना फ्रिज भी किसी भी साइज़ का लगा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो कलर कॉम्बिनेशन की, बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन है एंड सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको स्टोरेज मिल रही है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्टील वर्क भी है। तो दोस्तों इस किचन में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको गैस पाइपलाइन का जो प्रोविज़न दिया गया है वो आपको अंदर ही मिल रहा है एंड ये स्पेस आपको चिमनी एंड हॉब के लिए मिल रहा है, काफ़ी स्पेशियस भी है एंड आपको अंदर यहाँ पर किचन में भी फॉल सीलिंग मिल रही है विद कंसीव लाइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये किचन बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव जो है वो है आपका गोल्डन वर्क जो आपकी किचन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं आपको इस घर के फर्स्ट बेडरूम में लेकर जाना चाहूँगी, प्लीज़ कम गाइज, इस हाउस का फर्स्ट बेडरूम है। और अगर मैं बात करूँ तो इस रूम में आपको फॉल सीलिंग की तो कितने प्यारे सी फॉल सीलिंग मिल रही है विद कंसीव लाइट एंड आपको यहाँ पर वॉलपेपर भी आपको मिल रहा है लगा हुआ बहुत प्यारा सा गोल्डन एंड क्रीम कलर के साथ, कलर कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा अब तक चलता आ ही रहा है एंड वाइट कलर की आपको यहाँ पर कबर्ड्स मिल रही हैं एंड स्टोरेज का यहाँ पर भी आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया एंड यूनिक सा डिज़ाइन है, आपको यहाँ कॉर्नर में मिरर भी मिल रहा है। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो अब वाओ, यहाँ आपको अंदर खोलते ही कबर्ड को यहाँ पर भी आपको मिरर मिल रहा है एंड स्पेशियस भी है। तो आपको यहाँ आपके बेडरूम में टीवी पैनल भी बहुत ब्यूटीफुल सा दिया हुआ विद वुडन एंड मिरर वर्क, नाइस, ये बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन के साथ इस रूम को
मेंटेन किया गया है। अब मैं इस रूम के अटैच वॉशरूम में आपको लेकर आ रही हूँ। तो इस वॉशरूम में आपको ब्रांडेड फिटिंग के साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पर बहुत प्यारी सी वैनिटी है, क्यूट सी वैनिटी है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है एंड स्पेशियस भी है। आप अपना स्टोरेज का सामान इजीली इसमें रख सकते हैं। एंड टाइल्स की बात करूँ तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर सा है। वेंटिलेशन का भी इसमें प्रोविज़न है, इजीली आपको वेंटिलेशन रहेगा। तो दोस्तों इस रूम में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ वेंटिलेशन का प्रोविज़न मिल रहा है। विंडो आपको आपके रूम में ही मिल रही है, सनलाइट का भी आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड घर में तो सनलाइट आपको सबको पता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो अब मैं इस घर के सेकेंड बेडरूम में आपको लेकर चलती हूँ। ये इस घर का सेकेंड बेडरूम है, इसमें भी आपको फॉल सीलिंग बहुत अच्छी से मिल रही है। एंड इसमें आपको विद कंसीव लाइट, वार्म लाइट का इन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। एंड यहाँ पर भी आपको प्यारा सा टीवी पैनल मिल रहा है वुडन एंड ग्लास वर्क के साथ। सो दोस्तों इस रूम में एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपको बाहर का एक्सेस मिल रहा है रूम से ही। सो दोस्तों इस घर का ये बैक यार्ड एरिया है, आपको यहाँ वॉशिंग का एक्सेस मिल रहा है, प्लस आपको टू सिंक्स भी मिल रहे हैं। सो मैंने आपको बताया था ये कॉर्नर हाउस है, तो इसमें आपको सेकेंड एक्सेस भी मिल रहा है। सो दोस्तों काफ़ी स्पेशियस भी है। और अगर मैं बात करूँ तो इस कोठी की, ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो अब मैं चलती हूँ आपको वापस उसी रूम में लेकर। एंड यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मिल रही है एंड सनलाइट भी आ रही है। आप देख पा रही हैं ऑलरेडी मैं इस रूम में हूँ और सनलाइट आ रही है। तो दोस्तों आपको इस रूम में स्लाइडिंग वार्डरोब भी मिल रही है एंड ये काफ़ी स्पेशियस भी है। आप देख पा रहे हैं इजीली आप अपना इसमें स्टोरेज का सामान रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। एंड ये बोथ साइड ओपन वार्डरोब है। सो दोस्तों अब मैं आपको इस रूम के स्पेस का जो ध्यान रखा गया है वो इस रूम में पर्सनल वार्डरोब्स भी मिल रहे हैं एंड ये भी काफ़ी स्पेशियस है। आप इसमें अपना पर्सनल सामान रख सकते हैं एंड की भी आपके इसके साथ ही है। एंड वुमेंस को क्या चाहिए, ड्रेसिंग एरिया वो हर एक लड़की का फेवरेट होता है। सो आप देख पा रहे हैं इसमें भी काफ़ी स्पेस है आप एंड बहुत प्यारा सा मून कट के साथ आपको ये ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है। सो अब मैं अटैच वॉशरूम की बात करूँ तो ब्रांडेड फिटिंग के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है एंड टाइल्स कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा सा है। इसमें भी आपको वेंटिलेशन मिल रही है, आपकी वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से इस घर में ध्यान रखा जा रहा है। सो दोस्तों आपने ग्राउंड फ्लोर तो देख ही लिया है एंड ये इतना ब्यूटीफुल है तो आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर भी कितना ब्यूटीफुल होगा। सो प्लीज़ चलिए, वाओ यहाँ पर भी इतनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी है। आपको डेकोर करके वॉल मिल रही है विद वुडन वर्क एंड आपको यहाँ पर भी वेंटिलेशन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। काफ़ी प्यारे से यहाँ पे लैंप लगाए हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। सो दोस्तों कॉर्नर हाउस का तो यही फ़ायदा होता है कि आपको सनलाइट मिल जाती है एंड काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है। यहाँ पर भी आप डेकोर का सामान रख सकते हैं, लाइक प्लांट्स रख सकते हैं एंड यहाँ पर भी आपका सेम जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर आपको लैम्प एंड मिरर एंड वुडन के साथ जो वॉक किया हुआ एज इट इज़ आपको यहाँ भी मिल रहा है। एंड बहुत क्यूट क्यूट से ब्यूटीफुल से यहाँ पर आपको लैम्प भी मिल रहे हैं, लाइटिंग का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। सो दोस्तों हम इस विला के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं एंड ये फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया है। आप यहाँ पर सोफा अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, आपको यहाँ बहुत प्यारा सा वॉल मिल रहा है एंड यहाँ पर आप अपना टीवी भी लगा सकते हैं काफ़ी किसी भी साइज़ का। एंड स्टोरेज का अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टोरेज का भी ध्यान रखा गया है, आप अपना कुछ भी सामान यहाँ रख सकते हैं, डेकोर भी यहाँ कर सकते हैं, प्लस आपको फॉल सीलिंग भी मिल रही है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी फॉल सीलिंग विद कंसीव लाइट एंड यहाँ पर भी कितनी प्यारी सी ये वॉल मेंटेन की हुई है विद वुडन वर्क एंड ग्लास वर्क के साथ, प्यारा सा एक लैम्प भी है यहाँ बोथ साइड। सो दोस्तों लिविंग एरिया तो मैंने आपको दिखाई दिया है और घर में सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मंदिर। ये आपका पूजा रूम है, बहुत
प्यारा सा वुडन वर्क के साथ आपको ये पूजा रूम मिल रहा है एंड काफ़ी स्पेशियस भी है। सो अब मैं बात करूँ तो इस फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की, तो इस बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको इस डोर के बारे में बताना चाहूँगी। वुडन वर्क के साथ काफ़ी यूनिक सा ये डोर डिज़ाइन किया गया है एंड स्लाइडिंग भी है। प्लीज़ कम, हम इस बेडरूम में चलते हैं एंड काफ़ी स्पेशियस भी है ये रूम। एंड यहाँ पर भी आपको प्यारा सा एक गोल्डन एंड क्रीम कलर के साथ वॉलपेपर मिल रहा है। फॉल सीलिंग भी मिल रही है इस रूम में विद कंसीव लाइट एंड वुमेन्स का फिर से वही ड्रेसिंग एरिया, एज यूजुअल सबका फेवरेट होता है तो आपको यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया भी मिल रहा है एंड स्टोरेज का भी यहाँ काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। प्लस आपको यहाँ टीवी पैनल भी काफ़ी अच्छा सा मिल रहा है। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा है, वाइट एंड ब्राउन कलर विद वुडन वर्क। एंड यहाँ पर भी आपको एक विंडो मिल रही है। वेंटिलेशन का इस रूम में भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। एंड अगर मैं बात करूँ इस रूम में स्पेस की, जो बहुत अच्छे से इन्होंने यूटिलाइज़ किया है, आपको पर्सनल वार्डरोब भी मिल रही है काफ़ी प्यारे से कॉम्बिनेशन के साथ एंड काफ़ी स्पेशियस भी है। आप अपना यहाँ पर्सनल सामान भी रख सकते हैं एंड आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है। काफ़ी प्यारा सा इसमें टाइल वर्क किया हुआ ब्रांडेड फिटिंग है इस वॉशरूम में। आपको हर वॉशरूम में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हर वॉशरूम में आपको वैनिटी मिल रही है। आपका स्टोरेज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस घर के फोर्थ बेडरूम में। नाइस, इस बेडरूम में मुझे ये वॉलपेपर बहुत प्यारा सा लग रहा है। काफ़ी यूनिक सा वॉलपेपर एंड कलर कॉम्बिनेशन है। आपको साथ में ही यहाँ पर फॉल सीलिंग भी मिल रही है विद कंसीव लाइट्स एंड आपका यहाँ विंडो का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। वेंटिलेशन आपको हर रूम में दे रहे हैं, प्लस आपको ड्रेसिंग एरिया सनलाइट से आपको और अच्छे ब्राइटन अप आप दिख सकती हैं। रेडी होने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस आपको यहाँ टीवी पैनल भी बहुत अच्छा सा मिल रहा है एंड आपको इस रूम में वार्डरोब्स मिल रही हैं। काफ़ी स्पेशियस वार्डरोब है, फुल हाइटेड है। सो अब मैं आपको इस रूम के वॉशरूम में लेके चलती हूँ। नाइस, इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन टाइल का बहुत ब्यूटीफुल सा है। काफ़ी अच्छा इसमें कॉम्बिनेशन किया हुआ है टाइल्स का एंड ब्रांडिंग फिटिंग के साथ आपको वॉशरूम मिल रहा है। दोस्तों आपने एक चीज़ नोट की है, इस घर में आपको हर रूम के साथ बालकनी भी मिल रही है। फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड में आपको बालकनीज का ध्यान रखा गया है। एंड अगर मैं इस घर के फिफ्थ बेडरूम लास्ट बेडरूम की बात करूँ तो प्लीज़ कम, मैं आपको इस घर के लास्ट बेडरूम में ले आई हूँ। सो ये बहुत क्यूट सा बेडरूम है, बहुत प्यारा सा मुझे लग रहा है। एंड मैं सबसे पहले इस रूम के आपको फॉल सीलिंग दिखाऊंगी। सो आप देख पा रहे हैं बहुत प्यारी सी फॉल सीलिंग है विद कंसीव लाइट। आपको लाइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है इस घर में, काफ़ी आपको अच्छी लाइट्स मिल रही हैं। प्लस आपको वॉलपेपर भी हर रूम में, हर लिविंग एरिया में आपको मिल रहा है। एंड वार्डरोब्स तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि काफ़ी स्पेशियस है। आप देख पा रहे हैं बहुत यूनिक से डिज़ाइन के साथ आपको वार्डरोब मिल रही है एंड आपको टीवी पैनल भी मिल रहा है इस रूम में। आप देख पा रहे हैं बहुत प्यारा सा आपको टीवी पैनल भी यहाँ मिल रहा है, आप किसी भी साइज़ का यहाँ टीवी लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको इस रूम के वॉशरूम में लेके चलती हूँ। वाओ, इसमें कलर कॉम्बिनेशन टाइल्स का जो है वो मुझे अब तक बहुत प्यारा सा लग रहा है। ग्रे एंड वाइट कलर के साथ आपको टाइल्स मिल रही हैं एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैं बालकनी की बात तो आपसे कर ही रही थी, इस रूम से आपको बाहर बालकनी का एक्सेस मिल रहा है, बैकयार्ड का एक्सेस मिल रहा है। काफ़ी स्पेशियस बालकनी का, टेरेस का भी यहाँ से एक्सेस है। आप इजीली अपने टेरेस पे जाकर अपना एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप कुछ स्टोरेज का करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक टैब भी मिल रही है, आप यहाँ पर भी अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस ये हाउस बनाया है। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस घर की फ्रंट बालकनी की तरफ। ये भी काफ़ी स्पेशियस है,
यहाँ पर भी आप इवनिंग में इंजॉय कर सकते हैं, बाहर का व्यू ले सकते हैं, काफ़ी प्यारा सा ये। यहाँ आप अपना इजीली एक सेंटर टेबल के साथ टू चेयर्स लगा सकते हैं एंड यहाँ आप झूला भी लगा सकते हैं, बच्चों का तो वैसे ही फेवरेट होता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये घर बहुत पसंद आया होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी इसमें वेंटिलेशन का, वुडन वर्क का, मिरर वर्क का, एवरीथिंग हर चीज का इस घर में ध्यान रखा गया है। सो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये घर बिक चुका है, सेम ऐसा ही घर आप सबके लिए बन रहा है और इसकी पोजीशन भी आपको मैं बता चुकी हूँ, 10 टू 15 डेज में आपको मिल जाएगी। सो देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाएं एंड नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, विजिट कीजिए एंड अपना ये घर, सपनों का घर बुक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए गाइस। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन के साथ, नए घर के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस।